हैदराबाद फोटोग्राफर्स यल्ला उन्नारू। आज जो है हम आए हैं हैदराबाद और यहाँ पे एक फोटो ट्रेड एक्सपो है। हम लोग अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे मैं पहला जो स्टॉल देख रही हूँ वो एप्सन का है। तो जिन जिन लोगों को जो प्रिंटिंग का काम काज है ना, उनके जो अच्छी क्वालिटी है या प्रिंटर्स है, उसका स्टॉल है। फिर इसके आगे हम लोग चलेंगे, यहाँ पे कोनिका मिनोल्टा का प्रिंटिंग का स्टॉल है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सैंपल प्रिंट्स निकाल के वो लोग दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जो है निकॉन का भी स्टॉल देख रहे हैं। तो यहाँ पे निकॉन का भी स्टॉल है, बहुत सारे कैमराज यहाँ पे रखे हैं आपके टच एंड फील को ट्राई करने के लिए, मतलब जो जो लोगों को ट्राई कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे और एक है, बेनक्यू का है। तो बेनक्यू का जो प्रिंटर रहता है उसके लिए है। तो तीन स्टार्टिंग में तो प्रिंटर्स के दिए थे। अभी हम लोग यहाँ मोबियस में जाएंगे। आई एम श्योर काफ़ी लोगों को जो है बैग्स वगैरह सब में इंटरेस्ट रहता है, तो एक बार वो चेक करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमारे पास मोबियस का है। एक आप देखिए जो उन्होंने पहना है वो जैकेट है। तो जो जो लोग फोटोग्राफर्स रहते हैं, जो फैशन फोटोग्राफी करते हैं वगैरह, वो ये सारा ले सकते हैं। यहाँ पे आप कंटिन्यूसली आप चीजें रख सकते हो। देखो यहाँ पे उन्होंने अलग अलग कलर्स भी रखे हैं। अभी जो है यहाँ पे हमारे पास मिररलेस है। तो मिररलेस कैमरा के लिए अलग बैग क्यों है? मतलब वो तो मतलब बैग पे बैग ही रहेगा ना, बैग का बैग ही रहेगा, बस इसमें कंपार्टमेंट ज्यादा आएगा, आपको एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है। अच्छा, चेंजेस कर सकते हैं सिंगल कैमरा। मतलब देखिए मिररलेस कैमरा के लिए जो कंपार्टमेंट दिया है थोड़ा सा कॉम्पैक्ट दिया है ना आपने, वो आप चेंजेस भी कर सकते हैं। साइज साइज लेंस विद आपको ग्रिपर आ जाएगा सेफ्टी के लिए। यहाँ पे क्यों, यहाँ पे ऐसा था कि बाहर में आ जाए, गिर जाए। काफी बार ऐसा होता है ना कि हम लोग ने यहाँ पे रखा और पूरा गिर गया, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे कंपार्टमेंट दिया है। अच्छा, आपको इसमें रेन कवर आएगा आगे फ्रंट में, इवन रेन कवर फैसिलिटी आएगा। अच्छा, रेन कवर। इसमें बैक में लैपटॉप बैग आएगा। अच्छा, तो लैपटॉप के लिए भी जगह दी है। यस, लैपटॉप के लिए भी आएगा। अच्छा, ये लैपटॉप पे अच्छा आएगा। नाइस, बैक ग्रिपर भी अच्छा है ताकि आप कंफर्ट फील फील रहे। तो कितने का पड़ेगा ये आपका? ये अपना प्राइस है 2700। अच्छा, 2700 नहीं, अच्छा है, रीजनेबल है। पर फिर इसमें आपका वारंटी आता है? वारंटी 3 इयर्स वारंटी आएगा, जिप का आएगा, ये बैग इसका आएगा हैंडलिंग का। अच्छा अच्छा, 3 इयर्स वारंटी है। और कौन से आपके पास वेरिएंट्स है? वेरिएंट्स बहुत सारे हैं, बैग्स में या फिर आपका ये आएगा लेंस मेकर का आएगा, जो लेंसेज आएगा। ये क्या है? ये भी लेंस का है? ये भी लेंस आएगा, ये बड़ा लेंसेज के लिए यूज होता है। इसमें 3 साइज आएगा, बिग मीडियम स्मॉल। अच्छा, ट्राइपॉड स्टैंड्स आएंगे, 4-5 वेरिएंट्स। एज यू कैन सी कि यहाँ पे फूजी फिल्म का भी स्टॉल है। तो फूजी फिल्म के अंदर जो आप कैमरास देखते हो उसको आपको टेस्ट एंड ट्राई करने को मिलते हैं। आप यहाँ पे आके वो सारे नए नए कैमरास भी टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो। अभी यहाँ पे जोना एलईडी है, पता है एलईडी का आप
बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो यहाँ पर स्क्वायर फुट के हिसाब से जो है या तो आप उसको रेंट कर सकते हो और क्लाइंट को देख सकते हो या तो आप खरीद सकते हो। अगर यहाँ पे देखोगे ये एक फुट का आप क्या चार्ज करते हो और किस हिसाब से रहता है इसका? ये हमारा जोना का प्रोडक्ट है, हमारा ब्रांड जोना एलईडी के नाम से है। ये आपका प्लैटिनम प्रो सीरीज के नाम से है, ठीक है। सेवन जनरेशन है, इसके अंदर आपका 4.8 आउटडोर, 3.6 इंडोर, 3.6 आउटडोर रहेगा। 3.6 4.8 क्या होता है? ये पिक्सल्स रहते हैं, पिक्सल्स। अभी जैसे ये हमारा 4.8 आउटडोर है, सेम इसके बगल में हमारा 3.6 आउटडोर है। मतलब इससे पिक्सल से क्या फर्क पड़ेगा, क्वालिटी वाइज क्या फर्क क्वालिटी रहता है? साफनेस रहता है, पिक्चर क्वालिटी। तो जितना एमएम ज्यादा रहेगा, जितना 4.8 आपका ज्यादा रहेगा उतना उसका क्वालिटी बढ़ जाएगा, कम रहेगा? कम रहेगा। अच्छा अच्छा, कैमरा का जैसा होता है ना, पिक्सल जितना ज्यादा रहता है, इसके अंदर अपोजिट। अगर आप 3.4 लेते हो तो उसका क्वालिटी ज्यादा अच्छा, क्वालिटी ज्यादा रहता है। मतलब ये जो साइज है एक एक पिक्सल का, मतलब आप जो ये देख रहे हो, आप देखिए, अगर ये जो हम देखते हैं ये एक बड़ा सा एमएम है, राइट? ये जितना बड़ा रहेगा उतना हो उसका क्वालिटी कम, जितना छोटा रहेगा उतना क्वालिटी ज्यादा, राइट? एक बल्ब को दूसरे बल्ब का जो पिक्सल, तो जब आप आउटडोर जाते हो तो क्यों इसका पिक्सल बढ़ जाता है, ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली पिक्सल में हर चीज में आउटडोर, आउटडोर मीन्स क्या होता है, हाई ब्राइटनेस, वाटर प्रूफ। अगर मैं सनलाइट के अंदर मेरा एलईडी वर्किंग हो, अगर थोड़ा बहुत बारिश आ गया या पानी आ गया तो उसको वाटर रेजिस्टेंट रहेगा ना, वाटर प्रूफ नहीं रहेगा, वाटर प्रूफ रहेगा, प्रूफ रहेगा। यहाँ फ्रंट साइड होली पार्टी वगैरह होता है और वहाँ पे उन्होंने रखा है, आउटडोर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं। और इसका 4.7 एमएम, 4.8 है, 4.8 एमएम आउटडोर में, आपका 3.6 आउटडोर आएगा, दोनों मिलेगा, दोनों मिलेगा। तो अगर आप एक स्क्वायर फुट के भाव के हिसाब से आपसे खरीदना है या आप रेंट भी देते हो? नहीं, हम रेंट पे देते हैं, हम सेल करते हैं। आप सेल करते हो तो एक पर स्क्वायर फुट कितने का पड़ेगा? आपका 4 स्क्वायर फुट आएगा 6,000 रुपए का एक स्क्वायर फुट। अच्छा, तो सपोज किसी को 8x12 का आपके पास से लेना है, जो बहुत ही स्टैंडर्ड एलईडी का साइज है, आई एम श्योर आपको पता रहेगा, तो कितने का पड़ेगा? अप्रोक्स 7 लाख समथिंग आएगा। 7 लाख का लेके फिर वो रेंट पे दे भी सकते हैं और खुद लगा सकते हैं। पर ये लगाने के लिए दो दो तीन तीन लोग चाहिए या मिनिमम 2% तो चाहिए? 8x12 के लिए, ठीक है। पर ये कभी कभी ऐसा होता है कि एलईडी लाइट टूट गया, फूट गया या रिपेयरेबल होता है? रिपेयरेबल, वारंटी नहीं रहता है? वारंटी रहेगा 2 इयर्स, 2 इयर्स वारंटी। मतलब जो भी रिपेयरिंग आएगा वो आप इंक्लूड करके दोगे, और अगर नहीं है तो फिर चार्ज रहता है, मिनिमम चार्ज जो रहेगा वो कंडीशन देख के कंफर्म। ठीक है, थैंक यू। कैसे हो आप? बढ़िया। आज आप दिखाओगे आपके वहाँ पे सबसे सस्ता और अच्छा बैग, आप कौन सा आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा बिक रहा है? मैं काफी टाइम से उनको एग्जीबिशन में देखती रहती हूँ इनके बैग्स का, और देखते हैं कि कैसा है। ये लेंस भी रख सकते हैं, इसमें कैमरा भी रख सकते हैं। ऐसा है कि रीजनेबल बैग्स जिनको चाहिए रहती है ये ऐसे बेच रहे हैं। तो ये एक किट वाला हो गया, एक किट वाला। कितने का पड़ता है ये? 1000 रुपए का। 1000 रुपए का बैग है ये, पर फिर इसका वारंटी नहीं रहता है ना? वारंटी कम से कम 4 ईयर यूज करेंगे, 4 साल तक चलेगा। पर आप कुछ होगा तो रिपेयर नहीं करते हो ना? नहीं, वापस दे, चेंज करके दे। चेंज करके देते हो, 4 साल का वारंटी 1000 रुपए में तो अच्छा है, ठीक है। और क्या नया आया है बैग में? नया आया है ये, नया है ये, नया है ये, कैमकॉर्डर के लिए है क्या? हाँ, कैमकॉर्डर के लिए, कैमरा डबल बॉडी के लिए है। ओनली 2000 रुपए का, 2000 रुपए, ये भी 4 साल का गारंटी, 4 साल का गारंटी, कुछ भी हुआ वापस। अच्छा, नया बैग। तो जिनको भी किफायती बैग्स चाहिए रहती है ना, 1000, 2000, 5000 के अंदर के रेंज में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैंने इनका नंबर यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो अभी हम यहाँ पे एक्सेसरीज के स्टॉल पे आए, मतलब ये देखो यहाँ पे लियो फोटो का एक ये रखा है, ट्राइपॉड रखा है, जिसमें जो है काफी लाइट वेट है, कार्बन फाइबर का है, और बहुत सारी अलग अलग लाइट्स में यहाँ पे देख पा रही हूँ। देखते हैं यहाँ पे हमें को क्या क्या मिल सकता है एक्सेसरीज में। यहाँ पे जब देख रहे थे हम लोग ने देखा कि यहाँ पे उन्होंने लाइट्स रखी है, फिर यहाँ पे देखो छोटी लाइट रखी है, ठीक है। इसका क्या रेंज आता है? 4,500 का। वायरलेस है, वायरलेस भी चलेगा और वायर के साथ भी चलेगा। अच्छा अच्छा, और ये वाला क्या, ये एलईडी लाइट है या पोटा लाइट है? और ये कितने का रहेगा? अच्छा, ओके ओके। तो अभी तक जो हम लोग कोटा लाइट में येलो कलर देखते थे ना, टंगस्टन लाइट का, उसके बदले उन्होंने एलईडी लाइट क्रिएट कर दिया है कोटा लाइट के लिए। पर कॉस्टिंग में कैसे फर्क पड़ेगा, कॉस्टिंग में किस हिसाब से पड़ेगा? हैलोजन डैमेज हो रहा है, दूसरा खराब हो रहा है, ब्रश हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। कितने का रहेगा? 650 का है, और ट्यूब भी बदलने का नहीं?
साढ़े छह सौ रुपए में ये लोग फोटा लाइट दे रहे हैं। और जो टंगस्टन बल्ब का प्रॉब्लम रहता है, मतलब जो वार्म कलर आ जाता है मंडप के अंदर या फिर रेड कलर ज्यादा हो जाता है मंडप के अंदर, वो प्रॉब्लम चला गया। जो हम लोग को व्हाइट एलईडी लाइट चाहिए थी, 650 रुपए में ये लोग बेच रहे हैं। और आपका अम्ब्रेला वगैरह भी इसमें कनेक्ट हो जाएगा, मुझे खुद को भी बहुत ही काफी अच्छा लाइट लगा ये। तो अभी जो है हम लोग ये कलर लैब, नितेश कलर लैब में वहाँ पे आए हैं। ये लोग अलग अलग प्रकार की फ्रेम्स बेच रहे हैं, मतलब 600, 800 रुपए, 250 रुपए की फ्रेम्स बेच रहे हैं। मतलब अगर आप जो है एक छोटा सा फोटो स्टूडियो या बड़ा सा भी फोटो स्टूडियो चलाते हो और वहाँ पे जो क्लाइंट्स आते हैं उनको ऐसी कुछ पर्सनलाइज गिफ्ट चाहिए रहती है, या फिर जिस बर्थडे पार्टी वगैरह में आप जो प्रोवाइड करते हो वो सारा काम करते हैं। देखते हैं इनके पास क्या क्या चीजें हैं। तो मैम, हम दिल्ली से है, नितेश कलर लैब के नाम से फर्म है हमारी। ठीक है, ठीक है। ये हम सारे गिफ्ट आइटम्स बनाते हैं। ठीक है। गिफ्टिंग इंडस्ट्री में ये सारे फैंसी फ्रेम्स बनाते हैं जिनकी फिनिशिंग वगैरह बहुत अच्छे लेवल की है। ठीक है। आप कोई भी कहीं भी इसको कंपेयर करेंगे उससे बेटर ही आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जो लोग आज यहाँ से हैदराबाद से है या मुंबई से है वगैरह, और अगर उनको आपका ऑर्डर करना है तो क्या प्रोसेस रहता है? और ये अगर यहाँ पे तो सारी चीजें रखी हुई है जिसका भाव अपने 400-500 के आसपास रखा हुआ है। हाँ। अभी उनको वहाँ पे अपने यहाँ पे डिस्प्ले क्रिएट करना हो, ठीक है, उनके स्टूडियो के वहाँ पे, या फिर आपका ब्रोशर उनको किसी और को दिखाना हो, तो किस हिसाब से प्रोसेस रहेगा? एक तो हम सेल यहाँ पे भी कर रहे हैं एग्जीबिशन पे। ठीक है, ठीक है। तो किसी को कोई सैंपल चाहिए हो, बल्क चाहिए हो, मतलब यहाँ पे ये यहाँ से ले सकते हो और इसमें फोटो चेंज कर, बिल्कुल इजीली कर सकते हो। कौन सा फोटो चलेगा? बैकलाइट पेपर यूज होता है, बैकलाइट पेपर यूज। और बैकलाइट पेपर वो किसी भी शीट, किसी भी प्रिंटर पे, प्रिंटिंग हमें करवानी है आपको, आपका प्रोडक्ट 200 या 400 या जो भी रेंज का। ये बैकलाइट शीट है, ठीक है, इसको किसी भी प्रिंटर पे प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, वो शीट आप दोगे, प्रोवाइड करोगे? सबके साथ मिलता है। ठीक है, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे जो भी हम सेल कर रहे हैं, हाँ, उसमें एक ह्यूज डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि जो MRP पे है यहाँ पे दे दिया हमने। हाँ, हाँ। हम यहाँ पे आए हैं तो जुड़ने के लिए आए हैं, तो बहुत अच्छे लेवल से डिस्काउंट भी कर रहे हैं। उसके बाद भी हम जो प्रोडक्ट्स देंगे ना, जो हमारे जेन्युइन कस्टमर्स हैं, जो हमारे अच्छे कस्टमर्स हैं, लिंक हुए हुए काफी टाइम, उनको बाद में भी डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, व्हाट्सएप के थ्रू वो ऑर्डर कर सकते हैं। ये विजिटिंग कार्ड के ऊपर ना हमने कैटलॉग का बारकोड स्कैन भी बना रखा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। सो जो जो लोगों को जो है इनका पूरा कैटलॉग देखना है, आपको ये QR कोड स्कैन कर देना है, और स्कैन करते ही आपको उनका पूरा ये ब्रोशर दिख जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर आपको कांटेक्ट करके वो सिर्फ उनको बोलना है कितना होगा और पैसे आप डिसाइड करके वो आप कुरियर करवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये हमारा वीडियो वायरलेस से कैप्चर कर, वायरलेस वीडियो, वायरलेस मतलब जो भी लोग सिनेमेटोग्राफी कर रहे हैं उसके ऊपर प्ले करने के लिए। तो ये क्या हॉलीलैंड का है? हॉलीलैंड है, वी एक्सेस है, वी एक्सेस ये। अच्छा अच्छा, ओके। ये सिनी व्यू, सीधे व्यू है। अच्छा अच्छा, तो ये सारे सिनेमेटोग्राफर्स जो गिम्बल पे काम करते हैं उनके लिए है। वीडियो वायरलेस क्या रेंज में पड़ता है ये? 26,000 से स्टार्ट है। कोई भी लोग नहीं, अलग अलग कंपनी का अलग अलग है। अच्छा अच्छा, और ये सब वायरलेस माइक, न्यू वायरलेस माइक। अच्छा, लार्क मैक्स। तो ये वाले में लार्क M1 और लार्क मैक्स में क्या फर्क है? ये रोड टाइप का माइक है, रोड और DJ। हाँ हाँ हाँ, मतलब यहाँ ऊपर से चिपक जाता है माइक। हाँ, समझाइए। तो ये जो है अभी हम लोग जो देख रहे थे वो ये वाला माइक था, ठीक है, जो इन्होंने अभी लगाया हुआ है। और ये इनके पास दूसरा माइक आया है, इसमें और इसमें देखते हैं क्या फर्क है। टच स्क्रीन। अच्छा, ये टच स्क्रीन माइक है, और ये वाला चिपकेगा ऐसे बाहर से मैग्नेट की तरह। ये नहीं, ये नहीं चिपकेगा ना, ये तो कैमरा के ऊपर लगेगा, ये वाला चिपकेगा। हाँ। अच्छा अच्छा, मैग्नेट, ये रहा मैग्नेट वाला। अच्छा अच्छा, फिर इसमें और इसमें फर्क क्या पड़ा? वैसा ही तो दिख रहा है। कौन सा? इसमें और इसमें क्या फर्क पड़ा? ये नॉर्मली ये रोड और DJI लेवल का माइक है, ये रिकॉर्डिंग विथ रिकॉर्डिंग ऑप्शन। इसमें क्या मेनू भी है? ये मेनू का भी अलग बटन दिया है यहाँ पे, और इसके अंदर मेमोरी कार्ड है। हाँ, मेमोरी कार्ड है, तो इसके अंदर ही रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा ऑडियो आप लैपटॉप में रिकॉर्ड कर। वॉइस कंट्रोलर तो ये क्या है? ये एक कैप्चर कार्ड, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कैप्चर कार्ड। अच्छा,
और ये गेम वालों के लिए। अच्छा अच्छा, तो ये सब क्या है? अच्छा ठीक, तो ये कितने का पड़ेगा? 29,000। अच्छा अच्छा, 29,000 रुपए का। और ये वाला जो है अपना 15,000 का था? नहीं, अभी 11,000 हो गया वो, अभी उसको 11,000 का है और ये 29,000 का। तो वॉइस क्वालिटी में फर्क पड़ेगा या सिर्फ फैसिलिटी? नहीं, इसमें रिकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं है, आप मोबाइल में ही कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेमोरी में कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन की वजह से इसका कॉस्ट, मतलब वॉइस क्वालिटी सिमिलर ही है पर सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑप्शन की वजह से और जो डिसेंसी रहती है प्रोडक्ट का वो ज्यादा है, उसकी वजह से इसका कॉस्ट ज्यादा है और नया प्रोडक्ट है। ठीक है, ये सारा क्या बेच रहे हो आप? कन्वर्टर्स और फाइबर ट्रांसमीटर्स एंड वीडियो स्विचर्स। अच्छा, स्विचर है, तो जो लोग ऑनलाइन मिक्सिंग करते हैं ना लाइव में, उनके लिए ये सारा प्रोडक्ट दिया गया। लाइव स्ट्रीमिंग स्विचर्स, डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। ये क्या है? ये टॉकबैक है, तो कैसे फंक्शन करता है? कैमरामैन टू कैमरामैन टॉकबैक। अगर टॉकबैक का मतलब ये रहता है कि फॉर एग्जांपल दो वीडियोग्राफर्स है, ठीक है, और अगर दोनों जन जो है एक ही शादी में काम कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है ना, लाइव काम कर रहे हैं, तो ऐसा होता है ना कि एक जन ने बोला, दूसरे जन को जोर जोर से बोलना पड़ता है या फिर वॉकी टॉकी लेके घूमते हैं, उसके बदले ये टॉकबैक रहता है। ये न्यू प्रोडक्ट है, ये डायरेक्ट आईफोन से डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग। कैसे करोगे उसमें से लाइव स्ट्रीमिंग? आपको कैमरा से इनपुट ये कनेक्टर को आएगा, डायरेक्ट मोबाइल में कनेक्ट होके ऑप्शन आ जाएगा आपको डायरेक्ट यही से लाइव स्ट्रीम। पर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जो इंटरनेट पकड़ेगा वो तो फोन का लेगा ना? हाँ, फोन का है, फोन का नेट लेगा। पर कभी कभी ऐसा कोई फोन में नेट नहीं है तो नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा। सिंपल स्ट्रीमिंग के लिए, मोबाइल से करने के लिए। अच्छा, मोबाइल से सिंपल आपको लाइव स्ट्रीमिंग, डायरेक्ट कैमरा का क्वालिटी मोबाइल में जाएगा ना? तो डायरेक्ट कैमरा से जो है आप लाइव स्ट्रीम करना चाहो, ज्यादा तामझाम नहीं करना है, आप ये लगा सकते हो। पर ये यूनिट फिर कितने का आएगा? 17,000। 17,000 रुपए के अंदर आप लाइव स्ट्रीमिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हो। देखो वहाँ पे उन्होंने फोन कनेक्ट किया, फोन में नेट चाहिए और जो है आप डायरेक्टली लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। देखो ये सारे टॉक बैक्स रहते हैं, मतलब यही से वो लोग डायरेक्टली बात, यही से बात करते हैं ना, डायरेक्टली कैसे बात करते हैं? ये होली लैंड का टॉक बैक है। आप मतलब फॉर एग्जाम्पल आज जो है यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट रखा है, ठीक है, ये इन्होंने पहना, जैसे ही नीचे करेंगे वैसे वो चालू हो जाएगा बात करने का, ऊपर करेगा म्यूट एंड टॉक। म्यूट एंड टॉक, म्यूट एंड टॉक, मतलब आप बताओ कैसे करें? ये ऊपर करे तो म्यूट है, डाउन टॉक। अच्छा, तो जब भी किसी को लाइव पे बात करना है तो वॉकी टॉकी का जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ऊपर नीचे करोगे तो बात हो जाएगा। और काफी बार किसी को अगर ऊपर नीचे ना जमे तो कोई बटन है जिससे वो बटन भी है। अच्छा, तो यहाँ से अगर बटन से काम करेंगे तो भी चलेगा या ऊपर नीचे करेंगे तो भी चलेगा? अच्छा, नहीं पर अगर सपोज की ये बोल रहा है और उसको सबको नहीं सुनाना है, ऐसा नहीं होता, ये सारे माइक्स में सुनाया जाएगा ना? हाँ, सबको सुना जाएगा, सबको सुनाया जाएगा, वो सिलेक्टिव नहीं हो पाता है ना? ठीक, कितने का है वो टॉक बैग? टॉक बैग 80,000। 80,000 का। और ये वाला? 40,000। 40,000। तो ये कौन सा कंपनी है? ये KMT थी। KMT, ये होली लैंड है। अच्छा, और सेरामोनिक है। So, अभी जो है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अगर किसी को कटर्स यूज करने हैं, देखो कटर्स है, फिर डिफ्यूजर्स है, रिफ्लेक्टर्स है, फिर सारे बैकग्राउंड्स है, उसका एक स्टॉल बनाया है। तो जो कपड़े का बैकग्राउंड रहता है या कपड़े भी चार के साथ एक में कनेक्ट कर दिया है, सिर्फ आपको जैसा है ऐसा चेन घुमाना है। देखो ग्रे, ब्लैक, व्हाइट, जो स्कूल के बच्चे रहते हैं ना जो फोटोग्राफी पासपोर्ट करवाने आते हैं, तो आपको जो है बस यहाँ से घुमाना है और वो कलर चेंज हो जाता है। और मैं अगर आपको बोलूँ मेरे को चार कलर चाहिए, चार कपड़े का कलर चाहिए, तो इसमें आप कस्टमाइज करके देते हो या यही रहता है? कलर तो यही है, कस्टमाइज के लिए ऑर्डर देना, जल्दी से करने की चाहिए, यही रहेगा प्रोडक्ट। क्या कॉस्टिंग रहता है? साढ़े चार हजार। और अभी यहाँ से चार कलर का लेते हैं तो कितना था? 2,500। ठीक है, 3,500 का आपको ये मिलता है। और 4,500 के अंदर क्या होता है कि ये जो कपड़े हैं आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जो भी कपड़ा आपको चाहिए ना वो आप कर दो, और फिर यहाँ से आपको डायरेक्ट जो है रेलिंग चेंज करनी है। देखो मेरे को तो काफी इंटरेस्टिंग लगा है ना। सो अभी जो है यहाँ पे और एक LED का देख रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे जैसे आते हैं, जैसे मैंने वो LED देखा ना, वैसे इसमें व्हाइट और येल्लो भी LED है। तो मतलब जिन जिन लोगों को हैलोजन यूज करना, आई वुड रिकमेंड ये 650 रुपए में बहुत ही अच्छी चीज है।
कुछ गलत नहीं है। अभी अंदर थोड़े से एक्सेसरीज देखेंगे कि क्या है नया इनमें। अभी जो है जैसे रेडीमेड प्रीसेट्स रहते हैं, टेक्स्ट शोज रहते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। थैंक यू। एंड ये बैकग्राउंड भी आता है, ये पूरा बैकग्राउंड भी आता है। 500 कैमरा आते हैं, 700 लाइट रूम आते हैं, ये पूरा 200 बैकग्राउंड भी आता है। जो कलर करेक्शन के लिए जो चाहिए था ना, कलर करेक्शन, कलर करेक्शन कैमरा डालने का, तो उसके बाद हम लोग जो फोटोज को कलर करेक्शन देते हैं। आपको सीसी यूज है, हां सीसी में आपको ये कैमरा प्राइमर ऑफ सब में डालो, लाइट रूम लाइट में डालो, कैमरा यूज के लिए वेब फिल्टर यूज करो, तो ये सारा इसमें खुलेगी। सपोज ये नहीं चाहिए, सिर्फ कलर करेक्शन के लिए नहीं है, कलर करेक्शन के लिए रहता है ना लट्स लट्स प्रीसेट्स, वो कौन से है आपके पास? कैमरा पीएसडी फाइल, सो यू हैव टू एक्सेस फ्रॉम द पीएसडी फाइल, यू गॉट इट नाउ? नो एक्चुअली सी, वंस यू ओपन द फाइल इन लेयर्स यू कैन सी अ स्मार्ट फाइल, इन द स्मार्ट फाइल यू कैन सी द कैमरा एफएक्स, यू हैव टू ओपन द लट्स इन द कैमरा रॉ, फ्रॉम देयर यू हैव टू कट दिस साइड आल्सो देयर एंड दैट साइड दैट। बहुत लोग यहाँ आए हैं, काफी लोग यहाँ से सीख रहे हैं, ले भी रहे हैं, एंड काफी हद तक रीजनेबल चीजें भी है। सो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा स्पेंड हो रहा है, ऐसा है कि जो जो फोटोग्राफर्स की हाई एंड रिक्वायरमेंट है और जो भी है छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है, वो सारी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तेलंगाना के लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, रिमोट भी हो जाता है और यहाँ पे एटलीस्ट 150 स्टॉल्स जितने हैं, सो उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। आई एम श्योर FTIH के स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे, सो थैंक यू सो मच। मुझे भी खुद यहाँ पे, मैं मुंबई से हूँ और यहाँ पे आके मुझे काफ़ी, तो अभी हम लोग यहाँ पे आए थे और मुझे खुद को भी ना ये वाला बहुत पसंद आया। देखिए ये सारा अलग अलग जो रहता है ना क्लाइंट्स को देने के लिए, तो ये जो एक्चुअली मेनली ये जो सारे प्रीसेट्स है वो मुझे खुद को पसंद आए, यहाँ पे बहुत सारे लट्स वगैरह दिए थे, राइट। सो इसका जो पेन ड्राइव हम लोग खरीद लेंगे और देखते हैं ये आने वाली वेडिंग सीजन में, जिसको अभी शुरू होने वाला है, उसके लिए खरीद लेंगे। तो ये कुछ 1000 रुपये का है जो हम लोग यहाँ से खरीद रहे हैं, तकरीबन 200 PSDs है, तो 1000 रुपये के आसपास। थैंक यू। तो अभी यहाँ पे व्रैप महल में हम लोग आए हैं, आप देख सकते हो जो कैमरा की स्किन्स होती है या मोबाइल की स्किन्स होती है वो ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी जो रहती है ना मोबाइल स्किन्स, कैमरा स्किन्स, उस टाइप का थोड़ा फंकी कैमरा करना हो आपके काले कैमरे से, अगर आप बोर हो गए हो या फिर आपको आपके कैमरा को प्रोटेक्ट करना हो, उसके ऊपर ये है। देखिए अलग अलग स्किन्स वो लोग फोन्स के लिए वगैरह सबके लिए बेच रहे हैं। तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पे हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कितने अलग अलग इन्होंने सीडी कवर वगैरह सब रखा है और सारी अलग अलग लाइट्स का डिस्प्ले है, सस्ती लाइट्स वगैरह रहती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। भाई साहब वो क्या रखा है आपने, ये आपके लाइट के आगे वो क्या रखा है, स्टिक लाइट है वो, मैं समझी स्टिक लाइट के आगे क्या रखा है, आगे ये क्या रखा है आपने, ग्रिड रखा है स्टिक लाइट के आगे, ग्रिड रखा है क्या रखा है स्टिक लाइट के आगे, वो क्या फर्क करेगा, स्टिक लाइट के आगे आपने ग्रिड रखा उससे क्या इंपैक्ट क्रिएट होगा, क्या स्पॉट के लिए मैडम, अगर एक ही जगह आपको कोई फोकस करना है ना तो ये डाल के आप एक ही जगह पे लाइट डाल सकते हैं। एक बार आप दिखाओगे कैसे होगा, इधर एक्चुअली ज्यादा लाइट है, मैं दिखा नहीं, इसी में डाल देता हूं। तो ये इतना ही क्यों, मतलब ये वाला दो है, दो है, अच्छा दो है उसमें डाला मैंने, अच्छा अच्छा दो है, तो इससे जो स्टिक लाइट है, और हम लोग तो क्या करते हैं जब हम लोग स्टिक लाइट यूज करते हैं इसी को ऐसे कर डालते हैं, तो इसमें अगर किया तो भी तो स्पॉट इफेक्ट आ जाएगा, तो ये डालने से क्या फर्क पड़ेगा, ये और भी ज्यादा एक्यूरेट होगा। अच्छा ऐसे करने से वो मतलब इधर से खाली लाइट निकलेगी, हाँ हाँ इससे डालेंगे तो इधर से ही निकलेगी। अच्छा एकदम जो एकदम क्रिएट करने के लिए, देखो स्टिक लाइट के आगे ये लगाया गया है,
और ऐसे दो आते हैं, मतलब जो आपका स्टिक लाइट है उसको भी आपने डायरेक्शनल कर दिया, थोड़ा स्प्रेड होता है ना। ये कितने का है आपका लाइट? 7500 विद स्टिक वगैरह सब। ये मोबाइल ऐप कंट्रोल है पूरा। हाँ। और ये डिफ्यूजर भी आप ऊपर से डाल सकते हैं अंदर। अच्छा, एक एक डिफ्यूजर आपको जैसे चाहिए वैसे डाल सकते। अगर कलर हाँ तो कलर लाइट तो अंदर आरजीबी का है। अच्छा अच्छा, मोबाइल ऐप कंट्रोल है पूरा। मोबाइल ऐप कंट्रोल होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को सिर्फ ये स्टिक चाहिए रहेगा तो काफी लोग ग्रिड चाहिए। हाँ सॉरी, ग्रिड चाहिए रहेगा तो ग्रिड अलग से तो नहीं। अच्छा सर, आपका स्टिक लेना पड़ेगा। ओके ठीक है। नहीं अच्छा, इसी पे लगेगा, इसी पे लगेगा, किसी और पे नहीं लगेगा, तो अलग से लेके मतलब। अच्छा अच्छा, इससे ज्यादा थोड़ी अफोर्डेबल चाहिए तो ये वाली स्टिक लाइट है, छोटी वाली। हाँ मतलब वही है, मतलब ये छोटी वाली ट्यूब है, ये 4500 का ही है। अच्छा अच्छा, नहीं मैं तो ये स्टिक का बात कर, ये इसका बात कर। हाँ ये कितने का पड़ता है? ये 2200। ये देखो ये मैग्नेट कहीं पे अच्छा, मैग्नेटिक पे लगा, इधर नहीं लगेगा। ये मैग्नेटिक है, कहीं पे भी आपका ये ट्यूबलाइट चिपक जाएगा। 2000 रुपए का ये लोग बेच रहे हैं। पर इसका फिर वारंटी गारंटी कुछ देते हो? ऑल वारंटी, 1 ईयर वारंटी ऑल आइटम्स। अभी हम लोग यहाँ पे एल्बम केस में आए हैं, ये लोग प्रिंटिंग भी वगैरह करते हैं, और यहाँ पे मुझे पता चला कि ये लोग 10-bit प्रिंटिंग करते हैं। अभी देखते हैं कि ये क्या है। एक्सक्यूज मी, आपके यहाँ पे आप 10-bit प्रिंटिंग करते हो? 10 layers प्रिंटिंग करते हो क्या? करते हो 10 layer प्रिंटिंग करते हो ना, वो क्या है जरा बताओगे? कितने का है? नहीं वो क्या है, उसमें फर्क क्या है? इनको बुलाइए। नहीं या हाय, वी आर एक्चुअली आई एम फ्रॉम फोटो फ्लैश, आवर कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड इन 1980। ये एल्बम आप 10 color के बारे में पूछेंगे तो ये नया मशीन है फ्यूजी का। फ्यूजी ने 10 color प्रिंटिंग लॉन्च किया रिसेंटली। ये हम प्राउडली साउथ इंडिया में इंस्टॉल किए हैं। अभी हमारे पास ये पहला मशीन है साउथ इंडिया में, ये आंध्रा तेलंगाना मिलके। इसमें आपको गोल्ड, सिल्वर, वाइट, फ्लोरोसेंट पिंक, नियॉन कलर सब कुछ प्रिंट होगा। ये जो भी प्रिंटिंग अभी मार्केट में है HP इंडिगो या कोनिका में, आपको फ्लोरोसेंट कलर्स नहीं प्रिंट होता, लेकिन इसमें क्या है फ्लोरोसेंट कलर्स भी प्रिंट होगा। एक बार तो आपको क्या है, अभी देखिए फ्लोरोसेंट कलर्स आपको नहीं मिलेगा, तो फ्लोरोसेंट कलर्स हमको इधर आएगा। एग्जांपल यू सी इन दिस पिक्चर, ये पूरा फ्लोरोसेंट कलर्स है, ये वाइब्रेंट फ्लोरोसेंट कलर है, कभी प्रिंट नहीं होते, ये प्रिंटेबल ही नहीं होते ये कलर, ये सिर्फ LCD स्क्रीन में दिखते हैं। जो भी हम टीवी में देख रहे हैं LED टीवी सब कुछ फ्लोरोसेंट कलर है, लेकिन अभी जो प्रिंटिंग में जब आएगा वो CMYK में प्रिंट होता है। हाँ, क्या होता है CMYK के साथ नियॉन पिंक, ऐसा ब्राइट ऑरेंज, नियॉन पिंक पिंक हो जाता है, नियॉन पिंक के साथ जो भी कलर मिक्स होगा वो फ्लोरोसेंट दिखता है, ऑरेंज पर्पल। अभी देखिए ऑरेंज है लेकिन ये प्रिंटिंग में ऑरेंज नहीं आता, लेकिन इसमें आएगा। सो वो बेनिफिट है। वेरी नाइस, आपको दिखाता हूँ। आपको ग्रीन ऑरेंज स्पीकर में ऑरेंज है ना, जो भी मेरे को अभी ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं एल्बम देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई LED स्क्रीन देख रही हूँ। अगर LED स्क्रीन में या टीवी में जो देखते हैं ना फोन में, मेरे को लग रहा है कि मैं वो देख रही हूँ, पर एक्चुअली ये एक एल्बम है, क्योंकि ये सारे कलर अभी तक प्रिंटेबल नहीं थे जो इन्होंने प्रिंट किए हैं। यस, ये आपके साथ अभी दिखाता हूं मैं। ये भी देखो, जब भी हम लोग ये कलर प्रिंट करते हैं तो फूल का, वो हमेशा लाइट पिंक हो जाता है या डार्क पिंक हो जाता है, यहाँ पे फ्लोरोसेंट छप के आ रहा है, वाइब्रेंट येलोस। हाँ, ये ऐसा टाइप का येलो कभी प्रिंट नहीं होता हमारा, पता है येलो हल्दी में, जो हल्दी का येलो कलर आप प्रिंट करते हो थोड़ा सा दबा हुआ रहता है। ये हाइलाइटर ग्रीन बोलते हैं ना, मार्किंग ग्रीन, बहुत बढ़िया। कभी भी ये कलर आज तक मैं फर्स्ट टाइम मैं भी देख रही हूँ कि इस तरह का कभी प्रिंटिंग नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे मैं प्रिंटिंग देख पा रही हूँ। ये पर्पल है ना, जो भी ड्रेस में लड़की डाला हुआ ना, नॉर्मली ये प्रिंट करते तो ड्रेस मर्ज हो जाता है, ये पर्पल कम हो जाता है। अभी देखिए इधर से आप ग्रेडिएशन पूरा दिख रहा है, और इनके आईलाइनर देखिए इधर, वो पिंक है, वो पिंक नहीं आता, नॉर्मली वो आईलाइनर कम हो जाता है, कम हो जाता है, ये पिंक है, पिंक एज इट इज है। वाह, बहुत मस्त, वेरी नाइस, सही में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री में। पर ये प्रिंटिंग फिर बहुत कॉस्टली रहेगा, कैसे रहेगा? नहीं, बहुत कॉस्टली कुछ भी नहीं है, बहुत जो भी मार्केट में मिल रहा है उससे 5% ज्यादा बस। तो चलो, अगर मेरे को ये मैट प्रिंटिंग करवानी हो तो ये बैक इसी ऐसे ही पेपर में प्रिंट होगी या फिर ज्यादा पेपर रहता है? नहीं, ये नॉन टेरेबल है, ये नॉन टेरेबल पर ही प्रिंट होता है। नहीं, रेगुलर पेपर में प्रिंट करते हैं, लेकिन नॉन टेरेबल क्यों यूज करते हैं कि वाटर प्रूफ है। अब इसमें एक फ्लड आ गया घर में, आपका एल्बम नहीं जाएगा,
कोई भी सेफ रहेगा। ये पूरा वाटरप्रूफ एल्बम है, पानी में 10 दिन स्विमिंग पूल में रखेंगे भी कुछ भी नहीं होगा, खाली ये कवर पेज खराब हो जाएगा वापस हम कवर नया डाल देंगे। प्रिंट तो ऐसे रहेगा, मेमोरी तो मेमोरी है, कुछ भी हो जाओ घर में। अगर सपोज कि मैं मैट का नॉन टेरेबल मैट, आपका प्रिंट जस्ट 80 रुपीज है, 80 रुपीज प्रिंटिंग कॉस्ट, एवरेज प्रिंटिंग कॉस्ट 80 रुपीज। एवरेज प्रिंटिंग कॉस्ट जो हमारा रहता है अभी तक जो हम लोग करवाते थे वो 60 रुपीज का पड़ता है। 60 ये मैट के लिए पूछा ना, ग्लॉसी में अब 60 से स्टार्ट होता है। तो मतलब ये वाला जो आप कह रहे हो ये ग्लॉसी, ये ग्लॉसी में एक्चुअली हम हमारे पास जो पुराना टेक्नोलॉजी है वो 60 में दे रहे हैं, लेकिन इसमें आप 70 रुपीज दे रहे हैं। 10 रुपए कलर्स में कितना फर्क पड़ेगा, और ऊपर से वाटर प्रूफ हमारे पास वो भी मशीन है, जो भी पुराना मशीन भी है, भी है पर ठीक है, ये नया ऑप्शन भी है। तो कैसे कहने का मेरा ये है कि क्या है कि वो मन में रहता है ना कि ये ऐसा आया है तो बहुत महंगा होगा, और 10-20 रुपए तो अभी नेग्लिजिबल कॉस्ट है प्रिंटिंग के सामने। वेरी नाइस, ये देखो ये ग्रुप फोटो हम लोग जो लेते हैं कभी भी ऐसी प्रिंटिंग नहीं आती है, यूजुअली जो है ये सारे कलर्स मर जाते हैं, और ये जो ऑरेंज स्किन है वो भी नहीं आता है, और यहाँ पे आप सारे कलर्स देख पा रहे हो। दिस इज द ब्यूटी द सारी कलर, वेरी नाइस वेरी नाइस। सी सारी कलर्स, यूजुअली इंडिया में तो हम लोग सारी कलर्स हमारे कलरफुल ही रहते हैं, वेरी गुड। और इसके जो कवर के ऑप्शन है वो आप ही में से सिलेक्ट करने हैं। ये ड्रेस है ना, ये पिंक, तो अभी जो है हम यहाँ पे माथा करके एक प्रिंटिंग कंपनी है, तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे माथा के स्टॉल में आए हैं, और आपका नाम? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी जो है हमें गाइड करेंगे कि उनके पास क्या क्या नया नया है प्रोडक्ट में। आप बताइए कि आपके यहाँ पे एल्बम में क्या नया वैरायटी आया है, आप क्या नया बेचते हो? एल्बम में बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स हैं मैडम, ये तो गोल्ड फॉइल के है, प्रिंट फॉइल, गोल्ड फॉइल प्रिंट करने के बाद पोस्ट प्रेस का है, पोस्ट प्रिंटिंग है, ये गोल्ड फॉइल प्रिंटिंग है, ये गोल्ड फॉइल कवर पेज है। इसमें भी बहुत सारे साइजेस है, ये 1524 का है, 1524 का साइज है, यस, ये 12x36 का है, 12x36 का, यस, एंड ये कैलेंडर्स, पर्सनलाइज कैलेंडर्स है। डेट चेंज होगा, फोटो वही रहेगा, ये वही रहेगा, ये इसको नेक्स्ट ईयर बोला तो ये डेट चेंज करना पड़ता है, फोटो ऐसे ही रहता है। ये सारा किस लिए है? ये एक्रेलिक प्रिंटिंग है मैम, अब ये नया प्रोडक्ट है, ये पूरा एक्रेलिक का 4mm एक्रेलिक प्रिंटिंग, नॉन ब्रेकेबल, ये ब्रेक नहीं होता, ब्रेकेबल नहीं, लॉन्ग लास्टिंग प्रिंटिंग रहता, कुछ भी नहीं होता है, पॉइंट कस्टम शेप कस्टमर के लिए, अभी घर पे जो भी शेप चाहिए आप शेप में क्रिएट करके दो, अगर वो बोलेगा एम एम शेप एम लेटर में क्रिएट करके दो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, आपको जैसे हमारी फोटो फ्रेम की यही होती है सर्कल में मिलेगा या स्क्वायर में मिलेगा, ये फोटो फ्रेम में आपको जो भी शेप चाहिए वो शेप में मिल जाएगा, जैसे ये ऐसे है राइट, आप एम शेप में, ओ शेप में, जीरो शेप, जो भी आपको चाहिए वो उनको शेप बोल दीजिए, वही शेप में वो क्रिएट करके दे सकता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। एंड पर्सनल टेबल टॉप के लिए, पर्सनल लोग को जो स्टूडियो के बाहर रखने के लिए, यस, स्टूडियो और ऑफिस घर पे किधर भी ऐसा टेबल टॉप का अट्रैक्ट, टेबल टॉप के लिए स्टैंड। अच्छा, और आपका ये सब सारा एल्बम का वैरायटी? एल्बम का ये तो यूवी प्रिंटिंग है मैडम, प्रिंटिंग की क्वालिटी में कोई डिफरेंस? ये यूवी प्रिंटिंग है, मैगजीन के ऊपर प्रिंट, एनी सरफेस के ऊपर ऐसा प्रिंटिंग, एम्बोसिंग प्रिंट होता है, ये यूवी प्रिंटिंग है, कोई भी मैगजीन जैसे सरफेस के ऊपर आप करो। एंड ये वेलवेट है, फेदर टच का वेलवेट का फील है, एंग्रेवर नेम एंड एक्रेलिक, ये सारे पूरा अभी जो है हम लोग फोटोटेक के पोर्टल में आए हैं, ये लोग एक परिवार चलाते हैं, और यहाँ पे जो है इनको तेलुगु और इंग्लिश आती है, इनको जो है तेलुगु और इंग्लिश आती है, तो ये इंग्लिश में बोलेंगे, मैं आपको हिंदी में समझा दूंगी। मुझे बताइए आप, प्लीज टेल मी दैट व्हाट इज द पोर्टल ऑल अबाउट, दिस इज फोटोटेक पोर्टल, दिस इज ऑल अबाउट B2B बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू दिस पोर्टल इज रिगार्डिंग ओनली फॉर फोटोग्राफर्स, रिगार्डिंग फोटोग्राफी एंड देयर सर्विसेस and the products. What do they get in return? Like if for example I register in your portal, it's from photographer to photographer, B2B, right? Yes. So once I register, what are the benefits that I get? You can get throughout India, you can get services. You may get calls from throughout India.
services in terms of photography, wedding photography. We have different photographers, different types of photographies. So if you register in this, no, that's okay. If you register, this is live or recording? No, it's recording. Only recording. If you register in this, you will get a different types of services, and you can sell products also in this, like photography products, even printers and bags, photography bags. Okay. So there is only for photographers. Okay, so there is one section of people wherein there are all photographers who register in this, and there is another section wherein entire business community. So say people who are doing printing business, who is doing album designing. All those. So that is one thing. So if for example, as a photographer, if I register in this and I want a printing person, I can contact from here. Yes. If I want someone who sells lights. I can contact from exactly. here. I need any distributor or any camera or lenses, I can get it from here. Yeah. It is not about getting leads from the market. You directly get that person. Contact. So for photographers, how much rupees do you charge as a registration cost? Basic is 199. $199 is basic for a month? No, for a year. For a year? 365 days. Okay. For a photographer. And for the company who wants to get into your portal? For everyone, it is $199. $199 is the registration charge. Yeah. So, photographers who come into your portal, the only benefit they get is that they get a lot of contacts from you. Yes. That which are the companies they can. It's not just from Hyderabad. It is from people all over India. All right? India. So, ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है. अगर मुझे आपको समझाना हो जो इंग्लिश नहीं समझते हैं, जो लोग जो है पूरे इंडिया में जिनको भी बिजनेस करते हो फोटोग्राफी का, जैसे अगर आप गिम्बल्स बेचते हो, अगर आप जो है कैनन के कैमरास बेचते हो, कोई भी कंपनी के कैमरास बेचते हो, लेंसेज बेचते हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, डीलर हो, या फिर छोटी मोटी एक्सेसरीज बेचते हो, एल्बम की प्रिंटिंग करते हो, एल्बम डिजाइनिंग करते हो, आपकी मार्केट कौन है? आपकी मार्केट फोटोग्राफर्स ही है जो काम करते हैं, जो सर्विस देते हैं दूसरे लोगों को. तो ये लोग क्या करते हैं, इनके पोर्टल में आपको सालाना ₹200 का जो है रजिस्ट्रेशन करवाना है, जो एकदम ही नेग्लिजिबल कॉस्ट है. और जैसे ही आप ये पोर्टल पे आते हो, आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स खुल जाते हैं दूसरे लोगों के. मतलब अगर आपको चाहिए कि आपका बिजनेस एल्बम डिजाइनिंग का है, तो बहुत सारे फोटोग्राफर आपके पास आएंगे. और अगर आपका बिजनेस जो है फोटोग्राफी का कोई चीज बेचने का है, मतलब एक्सेसरी बेचते हो, तो बहुत सारे फोटोग्राफर आपको यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं. तो जो भी डीलर्स हैं और जो भी फोटोग्राफर्स हैं, उनके लिए, देश भर के लोगों के लिए यहाँ से ये पोर्टल बनाया गया है. राइट.
तो अभी जो है हम लोग ये नेक्स्ट स्टॉल पे आए हैं जहाँ पे ये लोग डिजिटल बैकड्रॉप्स बेच रहे हैं। देखो ऐसा टाइप का बैकड्रॉप बेच रहे हैं, आपका बैकग्राउंड देखो सबसे ये जो इस टाइप का बैकग्राउंड होता है ना, 1000 रुपए में कुछ बेच रहे हैं। देखो 990, काफी नेचुरल लग रहा है ना, 599 990। ओके तो देखिये यहाँ पे अभी गोडोक्स का भी स्टॉल है, मछली जो डिस्ट्रीब्यूटर होते है ना उसका, यहाँ पे उन्होंने सारे प्रोडक्ट्स बेचे हैं। फिर उसके आगे जाएंगे अभी आप देख सकते हो हम लोग अभी हम लोग जो है देख रहे हैं एक बेबी शूट की मार्केट। देखो मैं आपको बताती हूँ आजकल के जमाने में बेबी फोटोग्राफी, मेटर्निटी फोटोग्राफी, न्यू बॉर्न फोटोग्राफी बहुत चल रहा है, ठीक है। तो उसके जो क्रॉप्स और ये सारी चीजें अगर आप मार्केट से लेने जाओगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको सारी चीजें उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मिल रही है। देखो ये जो है 6000 रुपए का है, फिर अगर बैकग्राउंड वैकग्राउंड सब कुछ लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा, पर ये जो है 6000 रुपए में आपको झूला मिल जाता है। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, ये मून रखा है, ये रखा है, देखो लेमिनेट लेमिनेट का ऐसा बनाया है, ये टोकरी रखी है, यहाँ के अंदर बलून वगैरह आप सब रख सकते हो, छोटी सी चेयर भी है। देखो कितने सारे प्रॉप्स है यहाँ पे जो बच्चों के लिए रहते हैं ना, न्यू बॉर्न के लिए, वो जो अंडा है, फिर बेबी का ये है। हेलो हाय, बहुत वीडियो पास कर दूंगा आपका। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी मैडम। तो अभी जो है हम नई प्रकार की फ्रेम्स देख रहे हैं, नियॉन फ्रेम्स, ठीक है, जो रात को नहीं वो चमकता है वैसे। तो अभी आप देखो यहाँ पे जैसे ये पूरे सारे लाइट्स हैं, ये लाइट्स कैसे नॉर्मल फ्रेम्स दिख रही है बराबर, जैसे ही लाइट्स बंद कर देंगे और अंधेरा हो जाएगा, ये रात को चमकने वाली रेडियम लाइट्स है। देखिए रेडियम जो रहता है ना, रेडियम फोटो फ्रेम्स है। तो ये कुछ नया दिख रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाउ कॉस्टली इट इज? अच्छा ये फ्रेम्स है 250 रुपए के अंदर, पहली बार उन्होंने ऐसा बनाया है जहाँ पे आप रेडियम फ्रेम्स दे सकते हो लोगों को। देखिए चले जहाँ पे हम लोग देख रहे थे, देखो ये बारबी का बहुत चला था बीच में बच्चों के लिए, फिर यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो यहाँ पे न्यू बॉर्न के लिए आप बिठा सकते हो, लगा सकते हो, चेयर्स वगैरह रखी हुई है। और फिर ये लोग जो है देखो नाम लक्ष्मी वुड करके है, आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। मेरे को ये बताइए कि अगर अच्छा अच्छा मेरे को ये बताइए कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आपके पास से लेता है, पर इसका कैसा है कि फैशनेबल रहता है ना, फैशन के हिसाब से ये चीजें चेंज हो जाती है, तो आप इसको रेंट पे देते हो या खरीदना होता है? ओनली सेल। तो ऑन एन एवरेज क्या कॉस्टिंग रहेगा अगर किसी को कुछ खरीदना है? 3500 से लेके 7000 तक की रेंज में रहेगा। सपोज कि अगर किसी को ये एयरप्लेन लेना है तो एयरप्लेन 7000 के आसपास। कुछ कस्टमाइज करवाना है तो इसका एनी वन डिजाइन कस्टमाइज विल डू। अच्छा दिस इज बारबी बॉक्स मैटरनिटी शूट ओनली। क्या है ये? मैटरनिटी शूट के लिए बारबी बनाया है। अच्छा अच्छा तो आप सिर्फ मैटरनिटी शूट, मैटरनिटी शूट बट बस ओनली द बारबी बॉक्स। हां मैटरनिटी शूट के लिए ज्यादातर रखते हो या बेबी शूट के लिए? हां बेबी शूट, बेबी शूट के लिए ज्यादा रखते हो। न्यू बॉर्न के लिए ज्यादा? न्यू बॉर्न। ये कितने का है? तो अभी देखो यहाँ पे आए थे, यहाँ पे भी बेबी शूट के लिए प्रॉप्स से सारे अलग अलग। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने कैमरा भी बनाया है जिसका कॉस्ट कुछ 500 रुपए का है, और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे डिजिटल जो डिजिटल बैकग्राउंड होते हैं वो है। यहाँ पे देखो मैंने ये दिखा दिया ऑलरेडी, इनका QR कोड स्कैन करके आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे सारे सारे जो स्टॉल्स हैं, बच्चे को पहनो, ये बच्चे को रैपिंग करने के लिए है।
जो पता है रैपिंग के सारे कपड़े यूज करते, हमें पता नहीं होता कि कहाँ से। देखो ये सारे देखो रैपिंग कपड़े हैं, वूल के भी कपड़े हैं। देखो ये रैपिंग कपड़ा कितने का पड़ता है अप्रोक्सीमेटली? रैपिंग कपड़ा अप्रोक्सीमेटली कितने का पड़ेगा? ये 400 का है। एक लोगे तो 400, तीन लोगे तो 1000 में तीन। हाँ। कोई भी। हाँ। कोई आप जो बोलू जरा आप बोलिए इसके बारे में। हिंदी हिंदी जैसे हम लोग बेबी शूट देखते हैं तो ये हम लोग का जैसे प्री वेडिंग के सेट्स होते हैं, ये लोग बेबी शूट के लिए सेट्स बना रहे हैं। ठीक है, आपका ये बेबी शूट के लिए सेट्स है सारे? हाँ मैडम। ओके, तो कौन से सेट्स आपके पास अवेलेबल है, क्या चार्जेस रहते हैं और कहाँ पर है आपका? ये बीरंगा BHL मैडम। तो ये बीच डिजिटल थीम से है मैडम, पूरा रियल सेटअप है, नो बैकग्राउंड्स। ये सारे तो बैकग्राउंड्स ही है ना? नहीं बैकग्राउंड्स नहीं होता मैडम, पेंटिंग पेंट है पूरा, सारा पेंटिंग करके वहां पे बनाया है, सेटअप से ये पूरा चिकला है पूरा। तो बेबी शूट के लिए खास बनाया है? हां बेबी शूट के लिए खास बनाया है। देखो यहां पे आप देख पा रहे हो बेबी शूट के लिए, अगर वीडियो शूट फैमिली शूट बेबी शूट सब ले सकते हैं हम, इंडोर आउटडोर। ये देखो सेटअप क्या क्या कॉस्टिंग है? ये 13,000 फोर आवर्स है मैडम। 3,000 रुपए 13,000 रुपए का 4 घंटे में होता है। ऑफर लगाया 50% आज का 7,000 रुपए 7,000 रुपए में 4 घंटे का 4 घंटे का। और ये हैदराबाद फोटोग्राफर का पास है, ओनली फोटोग्राफर को ही है, नो कस्टमर, सिर्फ फोटोग्राफर को ऑफर, फोटोग्राफर ही ऑफर ये वैलिड कर सकते हैं, कस्टमर्स के लिए महंगा रहेगा। ये कहाँ पे आपका? हैदराबाद BHL मैडम, बिलमगुड़ा हैदराबाद, बिलमगुड़ा। अच्छा अच्छा, तो जिनको जिनको भी यहाँ हैदराबाद में और बेबी शूट करवाना है उनके लिए अच्छा है। देखो देखो यहाँ पे पुलिस का सेटअप बनाया है, डॉक्टर का सेटअप बनाया है, बच्चा डॉक्टर बन गया। फिर यहाँ पे जो है केबल ब्रिज का सेटअप है, फिर यहाँ पे मिलिट्री का सेटअप है। जो भी प्रोफेशन में बच्चे को डालना है सारे प्रोफेशन में बना लो, बड़ा होकर बच्चा खुश होगा। रॉकेट का सेटअप है, किचन है, छोटा सा ढाबा है, पूरा प्री वेडिंग शूट है। प्री वेडिंग जैसा है ना, तो हाई कोर्ट का सेटअप बनाया, लॉयर बनेगा बच्चा आगे। फोटोग्राफर के लिए नहीं बनाया फोटोग्राफर सेटअप आपने? नहीं बनाएंगे, अगर मेरे बच्चे होंगे तो फोटोग्राफर होंगे तो उनके लिए भी बनाना चाहिए स्टूडियो है ना। क्रिकेट का स्टेडियम है और केक स्मैश वगैरह रखा हुआ है। देखो ये फैमिली शूट, नाइस इंटरेस्टिंग। तो अभी जो है हम यहाँ पे लेंस स्टूडियो में आए हैं, ये यहाँ पे हैदराबाद का प्री वेडिंग लोकेशन है। So, इसका कॉस्टिंग देख लो, 4 घंटे का 12,000, 6 घंटे का 16,000 और 8 घंटे का 20,000, राइट? और यहाँ पे कौन से सेट्स है आपके पास? ये सारे सेट्स हैं, ये देखो। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं जहाँ पे इनके पास जो है, जो आप फोटोग्राफी में प्री सेट्स डालते हो ना, मतलब पूरे के पूरे जो कलर ग्रेडिंग कर देते हो सारे फोटोज को, ये सारे जो कलर ग्रेडिंग के प्री सेट्स है काफी मेरे को मॉडर्न लगे, काफी अच्छे लगे। तो इसीलिए आज इनका जो है हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि क्या कॉस्टिंग है वो लोग बेच रहे हैं। और इनका कंपनी का नाम है इंडियन फोटो क्लब, इंडियन फोटो क्लब। इनको आप जो है ऑनलाइन कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है? आप कैसे भेजोगे, कुरियर से भेजोगे या गूगल ड्राइव से भेजोगे? या गूगल ड्राइव शेयर कर सकते हैं। सो आपका किस हिसाब से रहता है, आप फोटो की जो ग्रेडिंग रहता है उसके लिए देते हो? या वी आर एकेडमी फ्रॉम केरला कोचीन, वी आर टीचिंग पीपल्स टू हाउ टू कलर ग्रेड इन मॉडर्न वे। सो वी आर एडोबी पैशनेट ट्रेनर्स फ्रॉम केरला, एंड व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गिविंग ऑल द कलर्स इन DNG फॉर्मेट हियर नाउ दिस टाइम फॉर द इमेज एडिटर्स। DNG इज अ बेटर गाइडेंस फॉर देम एज अ फ्रेम and input and output they can check, and they can also compare with their images, and they can select which color they need, and they can easily start in a professional way. So there are 3 formats available in DNG, XMP and profiles. Actually we are teaching them to create a profile for themselves. Profile is a better method to do grading within seconds. So customer is asking result very fast, and so we can take 10 or 100 or 300 images at a time, and we can give ambience based grading using these profiles. Okay, so you are so can I see your work, like can we show people your work? Yeah, all the presets which is available. Yeah sure inne aap record nahi aa rahe, it's in the book, app book in the color book in the ada ye na, yeah it's enough madam. So also yeah, we can go like different category. If you are shooting in beach train, हाँ. You can refer our beach trains. So beach के लिए जो beach है, के लिए, अगर आप beach में काम करते हो और उसके लिए अगर आप लक्स चाहिए तो आपको यहाँ पे yeah, yeah,
डायरेक्टली यहाँ से है, अलग अलग आपको लक्स सिलेक्ट करने हैं। या एवरी कैटेगरी इज बेस्ड ऑन द स्किन टोन, इट्स अ ब्लैक ट्रेंड। अच्छा, जो ब्लैकिश रहता है और फोटो में थोड़ा सा कलर रहता है ना, उस हिसाब से इन्होंने। या एवरी ट्रेंड इज फंक्शन, द फंक्शन या इट्स अ फंक्शन वेडिंग के लिए, बीच में फंक्शन के लिए अगर आप काम करते हो तो ये वाला आपको काम आएगा। और दिस इज इंडोर ट्रेंड्स। अच्छा, इंडोर के लिए इट्स टोटली फॉर इंडोर कलर्स। ओके, एंड इफ यू आर वर्किंग इन आउटडोर कलर्स यू कैन गो विद आउटडोर कलर्स। काम करते हो तो उसके लिए है। या अच्छा, इफ यू आर, दिस इज आउटडोर विद प्री वेडिंग के लिए, प्री वेडिंग ट्रेंड्स। And green. This is green. Basically so green based on green. Highlight करने के लिए. Yeah, yeah. Okay, okay. Greens, and this is a trendy white color. The skin tone will become white. White. And there are 41 categories available totally. अच्छा. Yeah. Colorful. It's colorful indoor and white. Creamy white skin tones. Huh. And save the day trend 1 and 2. Uh-huh. And this is actually 2021. We reached 21, 22. The season is now in 23. Now there are 800 images to refer. This is more, ये हेल्दी के लिए। This is for fashion and model colors, waiting tones, healthy के लिए, you can get healthy के लिए colors है, अच्छा। And makeover section indoor with low light and functions, wedding function, North India style and South India style is also available. It's only for bright colors with a soft tones. Soft. And this is an nice age like these colors and couples and pre-wedding. And this is the first book. There are 3 books available in season 1, season 2 and season 3. Now we are in season 3. Actually, the season book is two. Not here now because some people are collected actually. So busy. And this season 3 is very great colors like this. Season this three is only three hai. Season 3 colors available here. Kaunsa color? All these colors are season 3. Agar kisi ko aapka season 1, season 2, season 3 yeah. Kino kharidna hai to kitne mein? Yeah, totally we are selling in 11,500 is total color price. We are here 5,000 only. 50% below 50%. Achha. 5,000 they can collect so all. ये आपके कौन से हैं? ये किसके हैं? ये तो this season milky colors. नहीं ये कौन सा volume है आपका? Maybe I want to check that volume number. It's a 41 I think. 41. नहीं season 3 है ये सारा. Season 3 है सारा. ये सब कुछ season 3 है. Season 3 है. अच्छा. It's a little bit. मेरे को आप एक बात बताइए, जो आपका सीजन 3 लेगा वो तो यही सोचेगा सीजन 1 लेने की क्या जरूरत है, मैं तो सीजन 3 लेके बैठा हूँ। बट सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 आर डिफरेंट एम्बियंस। अच्छा अच्छा, सीजन 1 मिलेगा, सपोज बीच ट्रेंड, यू आर शूटिंग इन बीच ट्रेंड, बीच वॉल्यूम 1 इज डिफरेंट एंड बीच वॉल्यूम इन सीजन 3 इज डिफरेंट। या द कांसेप्ट इज कमिंग लाइक अगर मेरे पास एक स्टैंडर्ड फोटो है कैनन का, अगर मैं कैनन यूजर हूँ, मैंने स्टैंडर्ड में फोटोग्राफी की है okay. तो उसको अगर मेरे को ग्रेड करना है तो ऐसे में होगा या नहीं होगा? होगा। वी आर रेफरिंग ऑल द कैमरास, वी आर ए टीम ऑफ फोटोग्राफर्स एंड वी आर कलेक्टिंग ऑल द एम्बियंस फ्रॉम ऑल द स्टेट्स। तो जरूरी है कि वो न्यूट्रल में होना चाहिए। न्यूट्रल इज बेटर रिजल्ट, यू कैन गेट वेरी नाइस रिजल्ट, सॉफ्ट हो जाता है। या सॉफ्ट हो जाएगा। और अगर हमें जो है स्टैंडर्ड पे करते हो तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है, कॉन्ट्रास्ट कम ही, मैनुअल वर्क इज मोर, मैनुअल वर्क मतलब सैचुरेशन और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम करना पड़ेगा। और अगर न्यूट्रल में करें तो ज्यादा अच्छा यस यस करेक्ट। ठीक है ओके। या वीडियो वी हैव स्टार्टेड वीडियो लाइट्स लाइक दिस कलर्स आर फॉर एलयूटी इन फोटोज एंड वीडियोस आल्सो यू कैन यूज दिस सीजन वी हैव स्टार्टेड ये दोनों लट्स सेक्शन है। और जो DNG फाइल है वो आप वीडियो में नहीं यूज करते? नहीं नहीं नहीं, DNG इज फॉर लाइटरूम, ब्रिज कैमरा रो एंड मोबाइल लाइटरूम आल्सो, फोटोशॉप आल्सो वी कैन यूज इन DNG, XMB एंड प्रोफाइल्स, बट LUT इज फॉर फोटोशॉप एंड एवरी प्लेटफॉर्म, वीडियो एडिटिंग प्लेटफॉर्म लाइक Adobe प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स और यू कैन यूज इन FC लाइटरूम, ब्रिज इज वेरी नाइस, Adobe इज रेकमेंडिंग दैट। अच्छा, बिकॉज़ वी आर बल्क इमेज यूजर्स। हां हां ओके, यू कैन गो टू सम फाइल्स लाइक I will show you. So, ये ऐसा कह रहे हैं कि हम जो है Lightroom, Photoshop यूज करते हैं, उसके बदले आप Adobe Bridge में जाइए। अगर आप बहुत सारे फोटोज एक साथ काम करते हो, जो हम लोग वेडिंग्स में यूजुअली करते हैं, तो उनके लिए जो है अभी आपने प्रीसेट्स भी उसी हिसाब से बनाए हैं। करेक्ट करेक्ट मैडम, जस्ट कम एंड आई विल, आप वेडिंग का दिखाइए ना। श्योर श्योर श्योर, आई विल रीसेट दिस कलर्स एंड यू कैन मल्टीपल इमेजेस एट अ टाइम। I would like to grade from here to here. Okay, multiple images select and right click and opening camera raw. No catalog, no import, no time delay, just directly go to image. I need an ambience for these sections.
and you can come to the profile section here. This is a profile section. We are recommending all our profile import. First import all the profile, and you can go to a brown section. You can see all our colors like this. Just mouse hold on. This is a 100% result. How much you need? I like this color to be. Okay, you can click on it and adjust the volume from 0 to which is the matching level. You can start with this color. Okay. Then go back and you can adjust the highlight and the manual work. You need a little bit exposure, or you need shadows depth, or you need black levels. You can mark manually and every image will come like this. Or you need another ambience, we can go off. My main concern is usually weddings, inside weddings. Yeah, inside wedding. Mandap. Yeah. See, I will show another folder. I can go to some very rough images. So wedding ke andar rehta hai na? You think like this? Wedding, such, yeah, such control A, select all the images at a time, and control R, opening camera. And focus on one image. And you can come here. One face. This face. And control A, select all here. Then go to our profiles and you select the wedding category. Here is the wedding function 1, wedding function 2. You can expand it and just go with the colors, which one you like, click on it. Every image will come graded within minutes. So which is the apt situation, stop there. Okay, this is the first profile. Profile it and edit. Okay, this one control S means you can export. Within minutes you can export. Or you can connect with the Photoshop. Very you nice. Can go. Very nice. We can go open or done. Done means Bridge will automatically keep all the settings there. You can clear and read it, and you can come again. You can read it all the colors. So one day job, one hour. 1 hour. 1 day total work or 2 day total work, 1 hour customer. We are sending. Photo touch-up is also possible. Yeah, it's also. Skin touch-up is there also possible. All skins. Yeah, there is another software we are using, Skin Finer. Skin Finer. You can go to a batch processing of the Skin Finer output after the color correction. You can go to the batch processing within. Just give the settings and give the preset you created, and just within a few minutes you can grade all the images. Means touch all the images very easily. So this and Smart Album also like this. In Smart Album. But after editing all the images with page creation, within 1 hour we will complete all the 50 leaf work and send it to the customer. That means within 2 day work, within 2 hour we can complete all our work. So that we are teaching, we are academy, we are passionate trainers. We are teaching people to work very fast and very accurate. So this is a software and you can import some images. Yes, just a minute. We can go to desktop and I'm not a character. This one. समझ गया आप जो कह रहे हो. तो वो पूरा अपने हिसाब से ही पूरा album बना के दे देगा. Within one drop, one drag and drop. Our custom templates is there. There are 3000 custom templates for 12x36. वो आपने बनाया है. हमने क्रिएट किया है. और अगर फोटो अंदर अंदर रिप्लेस करना है वो भी कर सकते हैं. जस्ट आराम से ड्रैग एंड ड्रॉप एंड गो. तो 12:36, 12:30, 12:28. अच्छा 24/24. देयर आर लॉट ऑफ टेम्पलेट्स एवरी ईयर वी आर अपडेटिंग. ओह नाइस. सो नाउ द इमेज इज इंपोर्टेड एंड सेलेक्ट हाउ मच इमेज फॉर द फर्स्ट पेज. जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप द एंड कम टू आवर टेम्पलेट एंड व्हिच टेम्पलेट यू नीड यू कैन गो विदाउट टेम्पलेट. इफ यू आर ड्रॉपिंग वन इमेज और फोर इमेज यू कैन गेट डिफरेंट टेम्पलेट्स हियर. So if you are using 5 images, 6 images, we can create all the work and create PSD, export as PSD. So you don't like, you can come on the gallery and every combination you can get different combinations. So very easily you can. And text and everything is also included? Yeah, this that is after work, final work. You can read it, double click and read it, and you can also text and everything is possible out in this software itself. Export also as a PSD format, layer. And then after in Adobe Photoshop. Yeah, the final work is in the Adobe Photoshop or creating some background colors or some edits. You can do and complete. So this, if I have to ask you that if I purchase your templates, when it comes to your LUTs category, which is one of the finest you would recommend? Yeah, all three volumes or these are separate segments and no sir, I'm asking you that there are three different seasons.
seasons. Yeah. You don't have photos, though. That's the reason I'm asking you. Yeah, yeah. I'll show you the seasons one by one. Here. My agenda is more to do with weddings. Yeah. Inside the wedding. Wedding means a second season. This season we are not developed any for second season. I'll show you all the season here. We can go to our SSD. And this is the season 1. 1 to 8 is the season 1. And this is the season 2. And this is the season 3. In season 1, the beach trend is like this. You can get all the DNG files. So that you can check the season 1 is more to do with what you taught, what you showed me right now. In function, we created one function section in 2021 and two function section in 2022. Okay. This year, no functions. No functions. This year, brown, airy green, even vibes, and warm days, and deep green, and milky white. These type of colors we are focusing now. Achha. This you can use in wedding function also, but much better outdoor. Okay, in this season. So you can collect all the season to means different season means different styles. You can every time you can open every DNG and right click opening camera, check the before and after. What is the original? What is its original? And what is the color created? You can study and you can copy and paste what is this color, input and output. People want to see the input and output. Okay, that is a. Come here. Yeah. You check out. Yes, sir. Yeah, I'm in a hurry. Actually, people are waiting. Sachin. Okay, so first thing, jitna maine abhi seekha hai, namaskaram, yallanaru. कितने लोग जो है वेडिंग फोटोग्राफी में आना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं? सो अभी जो है हम लोग आगे के स्टॉल्स देखेंगे. हम लोग ने टॉक शो तो किया ही, फिर इसके आगे अभी हम लोग बढ़ेंगे. सो यहाँ पे देखिए कि एक ऐसा स्टॉल है जहाँ पे ये नियॉन लाइट्स का स्टॉल है. देखिए, जैसे कि पता है बहुत सारे डेकोरेशन में, काफ़ी सारे बार यूट्यूब के बैकग्राउंड्स में आप ये यूज़ कर सकते हो. देखिए यहाँ पे कैमरा वाला भी है, कैमरा वाला बैच है. मुझे ये आप अभी बेच रहे हो या अभी खरीद सकते हैं इसको कि नहीं? तो अभी जो है हम लोग कैपिटल फोटो बुक्स के इसमें आए हैं, स्टॉल पे आए हैं. आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने कितने अलग अलग स्टॉल्स लगाए हैं. देखिए इसमें जो है बहुत सारे उनके पास एल्बम की वैरायटीज़ है, तो आप देख रहे हो. आई थिंक उन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पे जो है स्टॉल बुक करवाया है. सो काफ़ी सारी जो उनकी वैरायटी है एल्बम्स को लेके, यू नो, वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले की है. देखिए अलग अलग साइजेस में, अलग अलग पैटर्न्स वगैरह में. देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी रॉयल फ्रेम है. तो जिन जिन लोगों को जो है अपने क्लाइंट्स को बहुत ही रॉयल कुछ गिफ्ट करना है, अगर बड़ा घर है, ठीक है, या फिर बंगलों में रहते हैं, तो देखिए उस हिसाब से बहुत बड़ी बड़ी साइजेस में यहाँ पे उन्होंने रखा है. ये तो बहुत छोटी साइज़ है, पर यहाँ से भी काफ़ी सारे बड़े बड़े साइजेस में इनके पास फ्रेम्स अवेलेबल हैं. नाम सर रविंद्र कुमार. रविंद्र कुमार. यस सर. तो रविंद्र कुमार जी यहाँ पे हमारे साथ है और ये हमें बताएंगे कि इनके पास कौन सी नई वैरायटीज है. मैम हमारे पास ये शौरत कॉम्बो है. इस कॉम्बो का नाम है शौरत कॉम्बो. मैम इसकी फोटोग्राफर प्राइस है मैम 5,400 रुपए. इसके अंदर हम आपको एक एलईडी दे रहे हैं मैम 7 इंच की. अच्छा अच्छा. ये पूरा एलईडी प्ले होता है. इसके 16 GB स्टोरेज है. सब डाल सकते हैं. यस मैम. अच्छा.
इसके अंदर 16GB स्टोरेज है, ठीक है। ये पूरी LED मिलेगी आपको, पूरा कवर मिलेगा, अंदर का या ग्रैलिक शीट मिलेगा यहाँ पर लगा हुआ। कितनी, कौन सी बड़ी? 12x36। यस मैम, 12x36 एलबम, कोई भी साइज बनवा लीजिए सेम प्राइस में। अच्छा, 1440 बनवा लीजिए, 1236 बनवा लीजिए, 4400 में जो है आप LED स्क्रीन में भी, LED स्क्रीन कवर बॉक्स पूरा, इसके साथ एक क्रीम बैग दे रहे हैं हम आपको, वो भी साथ में इसके साथ गिफ्ट कर रहे हैं सारा। एक हमारे पास और आएगा सर, एक जमाई का कॉम्बो जी, ये कॉम्बो का नाम है जी हमारा जमाई का कॉम्बो। अच्छा, ये सेम कॉम्बो है सर मैम ऐसा ही, इसका रेट है मैम 4600 रुपये। इसके अंदर पूरा बॉक्स मिलेगा आपको ऐसे में, बाहर डिजाइन मिलेगा, सॉरी कवर मिलेगा पूरा, ये मिनी बुक्स फ्री में प्रिंट होकर मिलेगा आपको पूरा। अच्छा, सेम डिजाइन मिलेगा, कैलेंडर मिलेगा रनिंग ईयर का। अच्छा, एक ही कॉम्बो है सिल्क, इस कॉम्बो का नाम है सिल्क कॉम्बो। ये मैम 3600 का कॉम्बो है, पूरा डिजाइनर है ये भी, ऐसा आप कुछ भी कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं, बाहर भी डिजाइन अंदर भी डिजाइन पूरा ये मिलेगा, प्रिंटिंग अलग से है पूरा, ये 3600 का पूरा कॉम्बो। मैंने बोलवा दे, यही बोल रहे। ये वैरायटी है, ये डबल एल्बम के लिए, दो दो एल्बम जिसको ले लो, एक एल्बम ऊपर आएगा, एक एल्बम हम नीचे आएगा इसके। यहाँ पर डिजाइनर कवर्स आएंगे, आप कुछ भी फैब्रिकेशन करवा सकते हैं, कस्टमाइजेशन अपनी तरफ से। आइए, मतलब अगर आपको कलर चेंज करना है एल्बम का, ठीक है, मतलब कवर चेंज करना है वो आप कर सकते हो, जो भी अंदर आपको बॉक्सेस भी चेंज करने वो भी आप कर सकते हो। ये भी मैम पूरा एलईडी कॉम्बो पूरा बॉक्स, ये आप देखिए इसका जो बाहर का है वो मुझे काफी पसंद आया, पूरा फोटो आ गया यहाँ पे बाहर, ऊपर बाहर ऊपर फोटो आएगा मैम, कैलेंडर आएगा रनिंग ईयर का, डिजाइनर कवर आएगा और इसके अंदर भी एलईडी स्क्रीन आएगा। आपने एलईडी स्क्रीन का कॉन्सेप्ट जो अभी तक यहाँ पर था वो आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर? यस मैम, मैम वो यहाँ पर थे, वो लोग पर कस्टमाइजेशन नहीं कर रहे थे ऐसा डिजाइन में, वो डायरेक्टली ऐसा व्हाइट पेपर था, पता भी ना चला कि अंदर एलईडी है। यस मैम, इसके अंदर अपना हाईलाइट टीजर वगैरह कुछ भी प्ले कर सकते हैं। 2 घंटे का बैटरी बैकअप है, 16GB स्टोरेज है, 30 मिनट में बैटरी फुल हो जाती है। ये अच्छा है, सारे गेस्ट को जब आप दिखाते हो आपको अलग से जो है टीवी स्क्रीन पे पेन ड्राइव लगा के दिखाने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ही आ जाता है। ये ऊपर का देखिए, ऊपर का पूरा फोटो ही जो है आ गया है यहाँ पे। ये कॉम्बो है मैम हमारे नाम पे, हमारी लैब के नाम पे, कैपिटल सिग्नेचर। यहाँ पे फोटो का पूरा इन्होंने कैलेंडर बनाया है, अलग अलग जो फोटोज रहते हैं क्लाइंट्स के, वुडन स्टैंड कैलेंडर्स है, जनवरी फरवरी मार्च आ गया, और ये जो फोटोज है डायरेक्ट और जो है ये वेस्ट भी नहीं होता, नेक्स्ट ईयर जो है वापस फोटो प्रिंटिंग करवा सकते हैं। ओनली 500 ₹500 में। यस, ये हमारा फेमस कॉम्बो है सर, पाशा कॉम्बो, कैपिटल सिग्नेचर कॉम्बो, बाहर पूरा कस्टमाइजेशन मिलेगा, अंदर पूरा डिजाइनर ले लीजिए। अगर आपको यहाँ फोटो चाहिए यहाँ फोटो भी मिलेगा, इसका ही प्राइस है केवल 3600 रुपये। तो प्राइसिंग सेम कैलेंडर मिलेगा, ये कैलेंडर कभी ना एंड होने वाला कैलेंडर है। अच्छा, ये कभी साल खत्म हो जाएगा, इसे दोबारा यूज कर सकते हैं आप। अच्छा, ओनली 500। अच्छा अच्छा, आप देखो यहाँ पे, पर यहाँ पे फोटो चाहिए तो फोटो आता है, यहाँ पे फोटो आता है, आप यहाँ पे फोटो लगा दो फिर सालों साल ये चलता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेट्स है, मंथ्स है और डेज है, तो वो चलता ही जाएगा। नाइस। उसके बाद कॉम्बो है मैम हमारे पास रोशे कॉम्बो मैम, डिजाइनर बॉक्स, डिजाइनर कवर एंड डिजाइनर बैग। नाइस, ये भी हम 3600 में, और इसका जो फैब्रिक मटेरियल है वो सारी चीजें हम लोग चेंज कर सकते हैं। यस मैम, डिजाइन कोई भी करवा लीजिए, फैब्रिक कोई भी करवा लीजिए, 300 फैब्रिक है हमारे पास, 3000 डिजाइन है, आप इंटरनेट से कोई भी कस्टमाइजेशन डाउनलोड कीजिए, हमें दीजिए, हम बना देंगे। ये कैसा है ना, आप लोगों का है चंडीगढ़ में, yes, है ना, हमारा सपोज की मुंबई है, यहाँ पे जो आया या तो हैदराबाद से है, तो कितना दूर हो गया? कुरियर फ्री है मैम, कहीं भी एल्बम मंगा लीजिए, कुरियर फ्री है, पर यहाँ से जब आता है आपके यहाँ पे बनेगा आएगा, ऑलमोस्ट 5-6 दिन तो पकड़ के चलना है, 10 days मैम, 10 दिन कम्प्लीट, तो मतलब अगर आपको मैंने प्रिंटिंग करके दी तो प्रिंटिंग करके, सॉरी डिजाइनिंग करके दी तो प्रिंटिंग के लिए आप प्रिंटिंग करके कुरियर करने का सब कुछ मिला के 10 दिन में हो जाएगा। बस कभी कभी वो कहते हैं, पर फिर अगर लेट हो गया डिले हो जाता है या हो ही जाएगा? हो जाएगा उसके अंदर, कभी कभी वो बाय कभी कुछ दिक्कत आता है, क्योंकि हमारा कोरियर आता है मैम ऑन रोड, बाय एयर कोरियर नहीं आता, बाय रोड आता है, अगर किसी ने बाय एयर आपके पास मांगा वो फिर कस्टमर को पे करना पड़ेगा उसका एक्स्ट्रा। ये इम्पोरियो कॉम्बो, अभी जो आप मुझे को प्राइसिंग बोल रहे हो वो सारा बाय रोड का कुरियर चार्जेस ऐड करके है? यस मैम, आपने
कस्टमर ने हमारे हमें से प्रिंटिंग का जो भी सीट वो सिलेक्ट करते हैं और कोई भी कॉम्बो सिलेक्ट करते हैं, हमारा स्कैनर है, ये स्कैनर दिया हुआ है हमारा कार्ड के ऊपर, देखिए आप ये कार्ड है हमारा और ये हमारे पीछे स्कैनर है, ये स्कैन करेंगे कोड हमारी ए टू जेड कैटलॉग निकल के आ जाएगी। ये इंस्टाग्राम स्कैनर है हमारा, इस पर सारा करिश्मा ए टू जेड एल्बम जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, एल्बम गाइड भी दिया हुआ है ए टू जेड। Hello madam. Hi. So my name is Nishant. I'm the founder of Lilliput Land. This is India's largest exclusive baby studio. So ये जो है baby shoot का studio चलाते हैं, जहाँ पे जो है ये हैदराबाद में है। Yes, we have Hyderabad, Varangal and Karimnagar. एक यहाँ पे जो है आप देख सकते हो और आपके पास यहाँ पे कितने सारे हैं? So in each studio we have around 40 plus setups. It's a three dimensional setup. We give all the theme based costumes, props. ये यहाँ पे theme based costumes वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं और यहाँ पे baby shoot के लिए पूरा stall वगैरह है। तो जो भी चाहे आप यहाँ पे वीडियो फोटो दोनों कर सकते हैं क्योंकि ये 3D है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी सब बनाया हुआ है। एंड फॉर मैटरनिटी आल्सो वी हैव मैटरनिटी रेंटल पैकेजेस एंड फॉर मैटरनिटी शूट वी आल्सो प्रोवाइड द कॉस्ट्यूम्स, मैटरनिटी कॉस्ट्यूम्स। देखिए यहाँ पे मैटरनिटी कॉस्ट्यूम्स भी है और मैटरनिटी के सारे लोकेशंस भी है सारा वगैरह, इस पे आप जो है सारा फोटोग्राफी करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो अभी जो है हमारे साथ भूपल जी है, ये भी कैनन में है एंड कैनन में इनके जो है हम लोग मिले थे कॉन्क्लेव में एंड हियर वी आर। आज हम लोग हैदराबाद में भी वापस मिले हैं। पूरा का पूरा जो ये आपने पूरा एग्जीबिशन देखा, ये सब कुछ का मैनेजमेंट इन्होंने ही किया था। सो इनको पूरा एसोसिएशन भी है यहाँ पे। आई वुड लाइक टू नो कैसा आपका रिस्पांस रहा, इतने सारे लोग यहाँ पे, आप कितने सालों से ये काम कर रहे हो? ओके, सो एज यू मेंशन इन्होंने किया है बोल के ऐसा एक जने से नहीं होता है, बहुत बड़ा टीम है। इट्स अ टीम एफर्ट यू नो, बिकॉज इट्स अ ह्यूज शो, बिकॉज एवरी ईयर वी आर डूइंग फॉर टू हॉल्स। Okay. This year we want to extend, so we want to create more stalls, we want to introduce more brands to the photographers, more products to the photographers. We try to bring close to 200 companies to Hyderabad to give good exposure to the photographers. Industry kaise chal raha hai, naya naya products kaise aa raha hai. So along with the products we want to create, we want to give some education also to them. For that we invite Mansi Thakkar to Hyderabad. Really we had a nice session today. It's really inspiring and motivating in terms of not only technology, in terms of business also. Thanks to having you here on Hyderabad. Purely it's our luck. That's what I can say. I would like to tell you that you know, if there are so many people who want to exhibit, ठीक है, काफ़ी लोगों को है यहाँ पे एग्जिबिशन भी देना होगा। मैं आपको एक बता दूँ, आज जब मैंने पूरा ये एग्जिबिशन विजिट किया, मुझे ये फील हुआ कि जो जो हमारे अलग अलग प्रांत में जो ऐसे एग्जिबिशन होते हैं, जैसे गुजरात में एग्जिबिशन होता है CGPTIA का, मुंबई में AIPTIA का होता है, ऐसे अलग अलग एग्जिबिशन अलग अलग जगहों पर होते हैं, पर जो स्टॉल्स होते हैं वो काफ़ी रेपिटेटिव आपको लगेगी। मतलब एल्बम्स हैं तो एल्बम्स ही है, अगर ये प्रीसेट्स है तो सिर्फ प्रीसेट्स ही है। पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉल्स मैंने देखे जिसकी डिमांड शायद गुजरात में हो, गुजरात में ऐसे सारे स्टॉल्स हैं जिसकी डिमांड जो है AIPTIA में है। तो आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे जो एग्जिबिशन होते हैं, अंदर अंदर जो है एग्जिबिटर्स को भी पूरा स्प्रेड करना चाहिए। अगर आप एक एग्जिबिटर हो, आपकी मार्केट यहाँ पर भी बन सकती है, हैदराबाद में भी काफ़ी लोग, ज़्यादातर जो स्टॉल्स हैं वो आप समझ लीजिए यहाँ के स्टॉल्स हैं, पर इनका मतलब ये नहीं आप वहाँ का भी बिजनेस यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपका पूरा फुटफॉल, आप मुझे बताइए यहाँ पे इतने सारे लोग थे, इतनी भीड़ थी, ऑलमोस्ट कितना जो है फुटफॉल है यहाँ पे, कितने लोग आ जाते हैं? That surely I can say it's more than 30,000. 30,000 people, 30,000 photographers का यहाँ पे फुटफॉल। Last year we made 30,000. This year we are going to break our own record of 30,000 footfall. That's great. And in terms of you mentioned that about the stalls. As a organizer, we planned, we segregated the segments. Okay. So products में कितना segments है, lights में कितना companies है, labs में क्या है, giftings में क्या है, ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर्स में, पोस्ट प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर्स में, फिल्टर्स में क्या क्या है, सेग्रीगेट कर दिया है।
तो हमको भी क्लैरिटी आता है कौन सा सेगमेंट में कितने कंपनीज आ रहा है. तो वी आर वेरी क्लियर दैट इन ईच सेगमेंट्स देयर मस्ट बी 5 to 6 चॉइसेस मस्ट बी देयर. Then only photographer can compare and photographer can see difference in the product. And also learn according to their interest. Yeah, because if monopoly is there, end of the day as a exhibitors of the as a organizer of the exhibition, we need to give that exposure to the photographer. If monopoly is there, there is no exposure. In frames company, only one company is there. Photographers can't find the difference. There are 3-4 companies here there in Lightroom filters. They can find the difference which company is doing what kind of output, which company is giving what kind of output. End of the day, we want to give that exposure to the photographer. जो भी साउथ में एग्जीबिशन होता है उसमें से ये सबसे बड़े से बड़ा एग्जीबिशन में गिना जाएगा साउथ इंडिया में. वी कैन कॉल इट बिकॉज़ साउथ इंडियास बिगेस्ट शो बोल के हम लोग बोलते रहते हैं. बिकॉज़ जो अगर आप नॉर्थ के हो, ठीक है, अगर आप वेस्ट साइड रहते हो तो यहाँ पे विजिट करके यहाँ के जो स्टॉल्स है एज अ फोटोग्राफर आपको यहाँ की मार्केट समझ में आती है. पहला, यहाँ के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन और नेटवर्किंग बनता है. और एज एन एग्जिबिटर आपको जो है यहाँ पे स्टॉल लगा कि आपका बिजनेस यहाँ पे बढ़ाना चाहिए. ऑलमोस्ट आपको 30,000 मतलब कितने सारे फोटोग्राफर्स का आपको यहाँ पे फुटफॉल मिल जाता है. काफी अच्छा रिस्पॉन्स था, काफी पॉजिटिव है. सो थैंक यू सो मच भूपल जी हमें यहाँ तक बुलाने के लिए भी. एंड आई एम श्योर नेक्स्ट ईयर तक 1,00,000 तक का हो जाए आपका फुटफॉल. श्योरली आई एम श्योर आपके जो एफर्ट्स फॉर योर विश एंड इट्स आवर प्लेजर हैविंग यू हियर ऑन हैदराबाद. हैदराबाद इज ऑलवेज वेलकम्स यू व्हेनेवर व्हेनेवर इज देयर इन पॉसिबिलिटी. विल इनवाइट यू एंड विल इंट्रोड्यूस टू आवर रीजन. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मानसी टक्कर. थैंक यू. सो आज हमारे साथ राम बाबू जी है. ही इज एन अमेजिंग पर्सन. आप जब भी इनके साथ अगर कहीं भी आपको दिख जाए और आप मिल लोगे, कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लो, उसका सबसे एंड टू एंड आंसर इनके पास रहता है. ये जो है कैनन में है एंड मैस्ट्रो है, राइट? एंड ही इज़ वेरी स्मार्ट, वेरी विजिलेंट, वेरी टेक्निकली साउंड. सो आज इन्होंने भी जो है टॉक शो में मेरे साथ वो थे, क्योंकि तेलुगु नहीं आती मुझे, हिंदी और इंग्लिश और गुजराती आती है. सो कहने का ये है थैंक यू सो मच कि आपने ऊपर जो है मेरा साथ दे दिया. एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप यहाँ पे ही हो, यहाँ से हो, आपको यहाँ का एग्जीबिशन कैसा लगता है? क्या, हाउ डू यू फील व्हेन यू कम टू दिस एग्जीबिशन एंड यू व्हेन यू मीट सो मेनी पीपल? सी आवर एग्जीबिशन इज नथिंग बट ऑफ सीइंग अ न्यू प्रोडक्ट्स एंड ग्रैबिंग द नॉलेज. बहुत मेंटर्स के साथ आप मिल सकते हैं, नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं, नया नया प्रोडक्ट देख सकते हैं, कुछ खरीदना है तो खरीद सकते हैं. ये पूरा छोड़ के हम पूरा डिस्ट्रिक्ट का जो फोटोग्राफर्स है एक जगह पे आते हैं, ये मिलने की भी टाइम है. सो इट्स अ गुड वे ऑफ नेटवर्किंग. एंड आपको कैसा लगता है जो आप इतना सारे लोग जो तेलुगु स्पीकिंग ऑडियंस है उसको एड्रेस करते हो तो अच्छा रहता है? अभी आप आए आप मुंबई से कि आपने बिजनेस कैसे करना, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टुडे. सो सब लोग सोचते फोटोग्राफी आ गए तो बिजनेस कर सकते, बट बिजनेस इज ऑल्सो वी नीड टू नो. सो बिजनेस ऑल्सो वी नीड टू नो. सो अभी क्या हुआ, आपका जो वर्कशॉप है बहुत अच्छा चला यहाँ, सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. और तेलुगु पीपल बोले तो यहाँ 2 states का है, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, बोथ आर वेरी गुड पीपल एंड या. सो आज जो है थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन हुआ है, बट आई एम श्योर एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोग साथ में एक वीडियो बनाएंगे, है ना? एंड ही इज सो टेक्निकली साउंड, तो मुझे तो बड़ा मजा आता है जब इनके साथ में बात करती हूँ. वैसे रहता है तो पंची नॉलेज शेयरिंग हो जाता है. वो क्या होता है ना, हम बोलते हैं लोमड़ी जो हंट करती, लोमड़ी ऐसा हम नॉलेज हंट करते रहते हैं, क्या नॉलेज है पकड़. और मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि यू नो मेरे पास ये नॉलेज है तो इससे और नॉलेज जरूरत नहीं है, इतना आता है हो गया, ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. जितना आए उतना कम है, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी फास्ट डेवलप हो रही है टेक्नोलॉजिकली. जितना आपको कहीं से भी साउंड होने मिले वो पीछे नहीं हटना, उल्टा और ध्यान से सुनना है. ओके, सो थैंक यू मानसी, हैव अ नाइस जर्नी. यू टू. थैंक यू. यहाँ पे विजय जी को मिले, ये यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं. और आप जो यहाँ पे देख रहे हो ये सभी लोग इनके एसोसिएशन के मेंबर्स हैं. और यहाँ पे ऑलमोस्ट 20,000 लोग जुड़े हुए हैं, सारे 20,000 फोटोग्राफर्स तेलंगाना के जुड़े हुए हैं. और इसमें जुड़ने के बहुत सारे बेनिफिट्स थे जो इन्होंने मुझे समझाया है. आप मुझे बताइए कि आपके एसोसिएशन में जुड़ने के क्या बेनिफिट्स हैं? एक्चुअल कैसा है बोले तो लोकल एसोसिएशन, एक एक एसोसिएशन में 50-60-100 ऐसे एरिया वाइज एसोसिएशन मेंबर्स है, तो उनको आईडी कार्ड
देखिए हम एक कुटुंब भरोसा बोल के एक स्कीम है जो फोटोग्राफर को हेल्प करता है, जो फोटोग्राफर सही एक्सपायर्ड हो जाता है बाई एक्सीडेंट हो सब कुछ भी हो जो, तो उनको फोटोग्राफर के लिए हम लोग एसोसिएशन की तरफ से 10-10 रुपये डाल के अभी स्टार्टिंग में 1 लाख दिए, 1,10,000 हो गया, 1,20,000, अभी 1,50,000 तक हम लोग दे रहे हैं कि तेलंगाना फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जो हुसैन सर प्रेसिडेंट है उन्होंने ये स्कीम लाया सो है। जिन जिन लोगों को भी जो है तेलंगाना में रहते हैं खास करके इनके एसोसिएशन के साथ जुड़े ताकि जब भी आपकी फैमिली में आपकी कभी डेथ होती है तो आगे चल के जो है आपकी फैमिली को ये लोग जो है 1,00,000-1,10,000 पहुँचा देते हैं और ये अंदर अंदर फोटोग्राफर्स की जो यूनिटी है उसको बढ़ाने में हेल्प करती है। मुझे खुद को बहुत पसंद आया, इसके लिए आपके सामने। थैंक यू। तो आपने देखा होगा कि आज का ये एग्जीबिशन कितना अच्छा रहा, हम लोग ने कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे देखी, बहुत सारे स्टॉल्स। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि नंबर हमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दीजिए, तो ये टाइम तो मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिखाए थे जहाँ जहाँ पर मेरे को ज़रूरत पड़ी। सो आई होप अच्छा रहा, टॉक शो भी अच्छा रहा, एग्जीबिशन भी अच्छा रहा। नेक्स्ट टाइम जब ये वाला पूरा का पूरा फोटोटेक सेंटर का ये पूरा जो है एग्जीबिशन हो, आप श्योरली यहाँ पर आके पार्टिसिपेट करिएगा, यहाँ की मार्केट को और जानिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू सून।